एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा व्यापारी रहता था। उसे रोज शराब पीने की एक बुरी आदत थी। उसकी इस आदत की वजह से वो और उसका पूरा परिवार परेशान रहता था। घर में हमेशा ही अशांति और तनाव का वातावरण बना रहता। अक्सर वो व्यापारी शराब पीकर गांव में किसी न किसी से झगड़ा कर लेता और लोगों को गाली बकता। उसकी इस हरकत की वजह से उसका व्यापार भी कम होता जा रहा था। वो व्यापारी भी इस बात को समझता था कि उसकी इस बुरी आदत की वजह से उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं और उसका नाम खराब होने की वजह से उसका व्यापार भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। वो व्यापारी अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने का कई बार प्रयास भी कर चुका था, लेकिन वो हर बार इसमें असफल ही हुआ था। इसलिए अब से जब भी कोई उसे उसकी इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए कहता तो वह उसे तेज़ आवाज़ में जवाब देता, मैंने इस आदत को नहीं पकड़ रखा है, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। उस व्यापारी की पत्नी उसकी इस आदत से सबसे ज़्यादा परेशान रहती थी। वो उसकी सेहत को लेकर चिंतित थी, जो कि दिनों दिन गिरती जा रही थी। वो चाहती थी कि उसका पति शराब पीना छोड़ दे, लेकिन वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन उसे गांव में किसी बौद्ध भिक्षुक के आने की खबर मिली। बौद्ध भिक्षुक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे और वो लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी थे। व्यापारी की पत्नी उसे लेकर उस जगह पहुंची जहां बौद्ध भिक्षुक ठहरे हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उनसे उनकी समस्या बताने के लिए कहा। दोनों पति पत्नी ने बौद्ध भिक्षु को सारी कहानी सुनाई। बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से उनकी समस्या को सुना और कहा, तुम दोनों अभी जाओ और कल सुबह फिर आना। दूसरे दिन सुबह वो पति पत्नी उस जगह पर फिर पहुँच गए जहाँ बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। उन दोनों ने देखा कि बौद्ध भिक्षु एक बड़े से पेड़ को पकड़कर खड़े हुए हैं। व्यापारी ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आपने इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है? भिक्षु ने कहा, अभी तुम दोनों जाओ और कल सुबह फिर आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब वो दोनों फिर बौद्ध भिक्षु के पास आए तो उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु फिर से उसी पेड़ को पकड़कर खड़े हुए हैं। उन दोनों ने बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या का कारण जानना चाहा, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उन्हें फिर से कल आने के लिए कहा। ये प्रक्रिया अगले एक हफ्ते तक चलती रही। वो दोनों रोज़ सुबह आते, लेकिन भिक्षु फिर उन्हें अगले दिन आने के लिए कहते। एक हफ्ते तक रोज़ आने की वजह से वो व्यापारी थोड़ा सा परेशान हो गया और उसने भिक्षु से पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तो इस पेड़ को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ता, इसने ही मुझे पकड़ रखा है। ये सुन वो व्यापारी ज़ोर से हंसता है और कहता है, महाराज इस पेड़ ने आपको नहीं पकड़ रखा, आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है और आप जब चाहें इस पेड़ को छोड़ सकते हैं। यह सुन बौद्ध भिक्षु थोड़ा गंभीर होकर बोले, मेरे दोस्त पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने शराब पीने की आदत को पकड़ रखा है, उस आदत ने तुम्हें नहीं, और तुम जब चाहो उस आदत को छोड़ सकते हो। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आया कि अपनी सारी बुरी आदतों का जिम्मेदार वो खुद है, वही है जिसने उन आदतों को अपने अंदर पकड़ रखा है और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर वो जब चाहे इन आदतों से छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, प्रकृति का एक बहुत ही सीधा सा नियम है कि इसे खालीपन पसंद नहीं है। अगर कोई खाली स्पेस है तो ये उसे हवा से भरने की कोशिश करेगी। अगर कोई खाली जगह पड़ी है तो ये उसे खरपतवारों से भर देगी। अगर हम खाली बैठे हैं तो ये हमारे मन को फालतू विचारों से भर देगी। इसलिए हम कभी भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर अपने आप को आदतों से खाली नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे अंदर कोई आदत ही ना हो, हम आदतों से मुक्त हो जाएं। असल में हम आदतों को कभी छोड़ ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि उसने कोई आदत छोड़ दी है तो असल में उसने ज़बरदस्ती उस आदत को दबा के रखा है। कुछ दिनों बाद वो फिर से उस आदत का शिकार हो जाएगा, जैसा कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि वो फिर से अपनी पुरानी आदतों के शिकार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने आदतों को गलत तरीके से समझा है। असल में हमारी आदतें मन के स्तर की चीज़ें हैं, इसलिए आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ बदला जा सकता है। सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है। जंक फूड खाने की आदत को हेल्दी खाना खाने की आदत से बदला जा सकता है। इसी प्रकार हम अपनी किसी भी बुरी आदत को केवल अच्छी आदतों के साथ बदल सकते हैं, उन्हें कभी भी छोड़ नहीं सकते। किसी महान इंसान ने ठीक ही कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप केवल अपनी आदतें बदल सकते हैं। और फिर यही अच्छी आदतें एक दिन
आपका भविष्य बदल देती हैं। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी बुरी आदतों की वजह से परेशान रहते हैं। वो इन आदतों को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। अब ये बुरी आदतें कोई सी भी हो सकती हैं, जैसे कि बात बात पे झूठ बोलना, हमेशा देर से पहुंचना, समय बर्बाद करना, धूम्रपान करना और यहाँ तक कि मास्टरबेशन। लोगों के द्वारा इन आदतों को ना बदल पाने का सबसे बड़ा कारण है लोगों के अंदर दृढ़ निश्चय शक्ति का ना होना, और दृढ़ निश्चय शक्ति के कमज़ोर होने का कारण है अपने ऊपर भरोसे का ना होना कि मैं इसे बदल सकता हूँ, और अपने आप पर विश्वास ना होना हमारे अंदर पैदा हुआ है हमारी पिछली असफलताओं की वजह से। जितनी बार इंसान असफल होता है उसका आत्मविश्वास उतना ही कमज़ोर होता चला जाता है, क्योंकि ये इंसानी मानसिकता है कि हम अपनी हार को अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर मौक़ों में हम ये मान लेते हैं कि हम ही उस चीज़ के काबिल नहीं थे। सिर्फ बहुत ही थोड़े से मजबूत मानसिकता वाले लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि अपनी गलतियों में सुधार करके वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, और ऐसे ही लोग बिनर मानसिकता वाले इंसान कहलाते हैं। इसलिए अगर हमें किसी भी बुरी आदत को हमेशा के लिए बदलना है तो हमें अपने अंदर विजेता वाली मानसिकता डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये बिनर मेंटेलिटी हम अपने अंदर डेवलप कैसे करें। देखिए, बिनर मेंटेलिटी हमारे अंदर डेवलप होगी छोटी छोटी लेकिन लगातार सफलता मिलने के बाद, क्योंकि बिनर मेंटेलिटी का मतलब ही है एक जीतने वाले एक सफल इंसान की सोच, और ये सोच केवल लगातार छोटी छोटी जीत हासिल करके ही अपने अंदर विकसित की जा सकती है। मान लीजिए आप सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठने की आदत से बदलना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर बिनर मेंटेलिटी कैसे काम करती है। मान लीजिए आप रोज़ सुबह 9 बजे सोकर उठते हैं लेकिन आप सुबह 6 बजे उठने की आदत डालना चाहते हैं, मतलब रोज़ से 3 घंटे पहले, अगर मिनट में देखें तो 180 मिनट पहले। अब आप इस 180 मिनट को अगले 30 दिनों में बांट दें, जो कि होते हैं 6 मिनट रोज के। अब आप अगले दिन सिर्फ 6 मिनट पहले उठने की कोशिश करें, 9:54 का अलार्म लगाएं, और ये आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगा क्योंकि ये एक छोटा सा बदलाव है। जब आप अगले दिन 6 मिनट पहले सोकर उठ जाएंगे तो आपको एक विजेता वाली फीलिंग आएगी और आप अगले दिन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे। इसी प्रकार जब आप अगले दिन 12 मिनट पहले सोकर उठ जाएंगे तो आपका खुद पर विश्वास और मजबूत हो जाएगा, और अगर आपने अगले 30 दिनों तक लगातार सिर्फ 6 मिनट जल्दी उठने की आदत को बरकरार रखा और अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल कर लिया, तो ये जीत आपकी मानसिकता पर बहुत ही गहरा असर डालेगी, और ऐसे ही डेवलप की जाती है एक विनर मेंटेलिटी। और फिर आपकी ये अच्छी आदत आसानी से बदलेगी भी नहीं, क्योंकि आपने इसे धीरे धीरे विकसित किया है, अचानक से नहीं बदला। मान लो आप अचानक से 9 बजे की जगह सुबह 4 बजे उठने का फैसला करते तो हो सकता है कि आप एक दो दिन सुबह 4 बजे उठ भी जाएं, लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ दिनों बाद आप फिर से अपनी पुरानी आदत पर लौट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने अचानक ही बड़ा बदलाव कर दिया, और हमारा मन कभी भी आसानी से किसी बड़े बदलाव को स्वीकार नहीं करता। इसलिए अगर आपको एक विनर मेंटेलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है तो आपको छोटे ही सही लेकिन लगातार सफलता हासिल करनी है, ताकि ये जीतने वाली सोच आपके अंदर घर कर जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पक्की हो जाए, और फिर यही सफल और दृढ़ संकल्प वाली सोच आपकी हेल्प करेगी आपकी किसी भी बुरी आदत को बदलने में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।